नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। परसवाड़ा क्षेत्र में काले मुंह का बड़ा बंदर हांगरों के लिए काल बनता जा रहा है। विगत करीब एक वर्ष से रह रहकर परसवाड़ा से बेहर मुख्य सड़क मार्ग पर पेट्रोल पंप और कॉलेज के समीप मेन रोड पर आकर आवाजाही कर रहे वाहनों पर हमला कर उन्हें परेशान कर रहा है। इस दौरान कई ट्रैक्टर चालकों को बंदर ने चोटें भी जड़ दिए हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों ने उक्त बंदर को लेकर काफी दहशत देखी जा रही है। आज परसवाड़ा में ग्राम चीनी यात्रियों को लेकर जा रहे ऑटो में घुसकर पहले उत्पात मचाया, फिर ऑटो चालक के साथ हाथापाई कर उसे ऑटो से उतरने को मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से उस गरीब ऑटो चालक का ऑटो ही पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब बंदर वाहनों को पीछा करता और उस पर झपटा मारता है तो कई बार तो ऐसा लगता है मानो बंदर खुद की चपेट में आ जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। इस मामले में संबंधित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान नहीं है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुशील कुमार नीति। कहाँ के रहने वाले हो? जी ग्राम चीनी। अच्छा, कल जो आपके साथ दुर्घटना घटी है, कैसा क्या हुआ बताइए। जी मैं परसवाड़ा गया था कुछ सामान लेने। हाँ। और सामान लेके वापस आ रहा था ऑटो से, और आते आते पीछे से एक बंदर ने मेरे पर हमला किया और एकदम मेरे स्टेयरिंग के पास आके मतलब छेड़छाड़, मतलब कपड़े वपड़े खिचखाच करने लगा, तो मैं एकदम डर गया और डरने से गाड़ी नियंत्रित होकर पलट गई। अच्छा जी, तो इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? आपको मतलब लगा होगा तो नहीं कहीं? थोड़ा सा पैर पे लगा था यहाँ। हाँ। पे और बाकी ज्यादा नहीं लगा। मेरे साथ में एक बंदा था, उसको थोड़ा हाथ में लगा है। अच्छा जी, तो गाड़ी को क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी में मेरा फ्रंट मिरर जो है वो फूट गया है और थोड़ा उसका सुपर जो होता है वो बैंड हो गया और बॉडी बैंड हुई है। अच्छा, गाड़ी पलट गई थी। जी गाड़ी पलट गई।